हेलो फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? तो चलिए आज हम बनाते हैं ब्रेड का बहुत ही चटपटा और बहुत ही बेहतरीन सा नाश्ता। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें ले लेना है पहले यहाँ पर एक बर्तन, यानी कि कुछ भी आप पैन कढ़ाई कुछ भी ले लीजिएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और यहाँ पर डाल देंगे एक चम्मच ना बटर। बटर से ये नाश्ता बहुत ही बेहतरीन सा, इसकी खुशबू आती है और अच्छा बनता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बटर जरूर से ऐड करें। तो यहाँ पर बटर को अच्छे से मेल्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 से 4 पीस ना लहसुन की कलियां को बिल्कुल बारीक चॉप करके यहाँ पर डाल दिया है और इसे हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, हल्का फुल्का। इसे ज्यादा हमें पकाना नहीं है, बस इसका हल्का सा कलर और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसे पकाएंगे। तो बस इस तरीके से हम ना इसे चलाते हुए जाएंगे और ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने इस टाइम पे हाई रखा है। अब यहाँ पर देखिये, मैंने एक मीडियम साइज का प्याज को बहुत बारीक चॉप किया है और इसमें मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से मैंने मिक्स भी कर लिया है। इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च, वो भी मैंने बिल्कुल बारीक लिया है। आप अपने हिसाब से ना कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े से बड़े बड़े पीसेस चाहिए तो आप बड़े बड़े पीसेस कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का टमाटर भी लिया है और उसे भी मैंने बिल्कुल बारीक ही, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट करके बस डाल दिया है। वेजेस जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर आप ना पत्ता गोभी को भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। अब इन सब्जियों को बस इसी तरीके से हम चलाएंगे 1 मिनट। ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इसका हमें सॉफ्ट नहीं करना है, इसका क्रंचपन हमें बनाए रखना है। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट इसे चला लिया है। उसके बाद ना यहाँ पर मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है और इसके साथ ही में आएगा थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। इसमें मसाले बिल्कुल हल्के फुल्के से जाएंगे और इसमें डाल दीजिए चिल्ली फ्लेक्स। अगर आप चिल्ली फ्लेक्स नहीं डालना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा ही डाला है। अब यहाँ पर डाल देते हैं काला नमक ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा चाट मसाला, कोई भी ब्रांड का आप चाट मसाला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बहुत ही चटपटा सा स्वाद आने वाला है इसमें। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब आधा चम्मच ना ओरिगैनो डाल दीजिएगा, या पिज्जा सीजनिंग हो वो डाल दीजिएगा, यानी कि कोई भी ऐसा सीजनिंग आपके पास हो ना वो जरूर से ऐड कीजिएगा, तभी इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से आप एक बार बना करके देखिएगा ना, आप ना पिज्जा खाना छोड़ देंगे। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, बहुत ही बेहतरीन से ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। तो बस हल्के फुल्के से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब गैस को ऑफ कर दिया मैंने और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक टैंकी सा फ्लेवर इसमें देने के लिए रेड चिल्ली सॉस में डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ग्रीन वाली चिल्ली सॉस हो तो वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो 1 चम्मच आप टोमेटो केचप डाल दीजिएगा, ठीक है। अब गैस को ऑफ कर दीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर 2 तस्तरी ली है, ठीक है। अगर आपके पास ना इस तरह की तस्तरी नहीं है, आप ना प्याला भी ले सकते हैं, यानी कि कटोरी वगैरह जो भी हो आप अपने घर का वो ले सकते हैं। तो इसे क्या करेंगे, 2 पीस मैंने यहाँ पे ब्रेड ली है, 2 पीस बर्तन मैंने ले ली है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड ना आप बटर लगा लीजिएगा जरूर से, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं पाई बटर लगाते हुए। तो मैंने एक साइड ना इसके पीछे साइड मैंने, यानी कि मैंने बटर लगाया है और इसके ऊपर साइड में मैं यहाँ पर टोमेटो केचप लगा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बटर लगाने से ना ये बिल्कुल क्रंची बनेगा। तो इसे अच्छे से मेल्ट, इसे जो है अच्छे से ऊपर से टोमेटो केचप लगा लीजिएगा, या नहीं तो आपके पास पिज्जा सॉस हो तो वो आप लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर टोमेटो केचप में क्या करी, मैंने ना ओरिगैनो मैंने डाल दिया, काले मिर्च का पाउडर डाल दिया, चिल्ली फ्लेक्स डाल दिया, तो आपके ये पिज्जा सॉस बन करके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने बर्तन ले ली है, एक छोटे सा तश्तरी है ये हमारे पास। अब इसे हम इसमें फिल कर देंगे। हाँ, एक चीज और कि अगर अपना ब्रेड के जो साइड एजेस होते हैं, अगर आपको कट करना हो तो आप कट करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने कटिंग वगैरह कुछ नहीं की है। तो सभी लोग क्या करते हैं ना कि इसको कटिंग करके निकाल देते हैं, वो बिल्कुल वेस्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से वेस्ट करना नहीं चाहिए और इसी तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि ताकि कुछ वेस्ट ना हो। तो अब क्या करना है कि इस तरीके से हम जो ये मैंने ये जो प्याज और शिमला मिर्च की ये जो मैंने स्टफिंग जो बनाई थी ना, तो इसी तरीके से हमें ब्रेड के ऊपर इस तरीके से फिल कर देना है, यानी कि रख देना है। तो आप ये जो स्टफिंग है ना, अपने हिसाब से आप रखिएगा, जितना आपको पसंद हो। अगर ज्यादा आपको अच्छा लगता है तो आप ज्यादा ज्यादा भरिएगा, ठीक है। और अगर आपको कम चाहिए तो कम ही डालिएगा। अगर बच्चे सब्जी कम खाते हैं तो कम ही दीजिएगा।
तो अब क्या करना है, आपके पास ना कोई भी ऐसा चीज हो, चाहे मोजरेला चीज हो या प्रोसेस चीज हो या इस तरीके का आपके पास स्लाइस वाला चीज हो ना, तो मैं यहाँ पर यही वही स्लाइस चीज यूज कर रही हूँ। तो इसे क्या करना है कि इस तरीके से मैंने तोड़ तोड़ करके मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि ये जब मेल्ट होगा ना बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जितना भी डालना हो आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, चीज जितना पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन ये नाश्ता ना बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही झटपट से बनता है। इसमें ना कोई भी झंझट नहीं है, कुछ उबालने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट से आप सब्जी काटिए और बनाइए, और ब्रेड तो बस बनी बनाई मिल जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को ना इस तरीके से आप बना करके देखिएगा। इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर लिया है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर से आपको ओरिगेनो भी डाल देना है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, एक पिज्जा के जैसा आएगा, बिल्कुल पिज्जा ही के जैसा ही लगता है खाने में, क्रिस्पी भी, करारी भी, और टेस्ट भी बिल्कुल पिज्जा वाला आएगा। तो ये देखिए इसी तरीके से ना आपको जितने भी बनाने हों तो आपको बना लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है, तो ये पुरानी कढ़ाई है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो इसके मैंने यहाँ पर ना कोई भी मैं यानी कि ना बालू का यूज़ कर रही हूँ, ना नमक का यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल डायरेक्टली इसे मैं इसमें कढ़ाई में बेक करूंगी। तो इस तरीके से मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया था, बिल्कुल अच्छे से हीटेड हो चुकी है। उसके बाद मैंने ये 3 पीस मैंने बनाया है अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद इसको क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए इसी तरीके से ना हम रखेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से मेल्ट होने तक और क्रिस्पी और कराना होने तक इसे हम पकाएंगे। तो चलिए 5 मिनट हो चुकी है फ्रेंड, बहुत अच्छे से सावधानी से मैं इसे निकाल रही हूँ, और मैंने इसे छोड़ दिया था इसी तरीके से ताकि कढ़ाई भी अच्छे से ठंडी हो जाए और इसे हम अच्छे से आसानी से निकाल सके। तो ये देखिए चीज देखिए बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरीके से ना बाकी सभी को हम निकाल लेते हैं। तो बन करके बिल्कुल तैयार है। तो ब्रेड पिज्जा बोलिए या कोई और नाश्ता, आप क्या नाम देंगे इसे तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनती है। तो इस तरीके से आप इसे निकाल करके इंजॉय कर सकते हैं। अगर छोटी मोटी आपके घर में पार्टी हो तो आप इसे भी बना करके बच्चों को दे सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही झटपट से बन भी जाती है और खाने में बिल्कुल टेस्टी लगती है। तो अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए।